सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के समय में बढ़ते कार्टून मूवीज और शोज के चलते पुराने कार्टून सीरीज बंद से हो गए हैं, पर आज जब भी कोई पुराना कार्टून कैरेक्टर हमें दिखाई देता है तो हमारे बचपन की याद आने लगती है। पोपाई द सेलर मैन, जी हाँ, ये वही कार्टून सीरीज है जिसे हम बचपन के दिनों में देखा करते थे। इस शो ने आज भी हमारे अंदर एक बेहतरीन छवि बना रखी है। पोपाई द सेलर मैन एक अमेरिकी कार्टून कैरेक्टर है जो एल जी क्रिसलर सेगर द्वारा बनाया गया है। ये कैरेक्टर 17 जनवरी 1929 को डेली किंग फीचर्स कॉमिक स्ट्रिप थिम्बल थिएटर में प्रदर्शित हुआ था, जिसके बाद ये चरित्र नाटकीय और टेलीविजन एनिमेटेड कार्टून में भी दिखाई दिया। क्रिसलर सेगर का थिम्बल थिएटर अपने 10 वर्षों में था जब पोपाई कैरेक्टर ने शुरुआत की थी। समय का दौर बढ़ने पर एक आंख वाला नाविक जल्द ही थिम्बल थिएटर का मुख्य केंद्र बन गया था और 1930 तक आते इस थिएटर ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ा लिया था। इस कार्टून सीरीज में पोपाई के अलावा ओलिवॉली, विम्पी, ब्लूटो, स्वीपी आदि कैरेक्टर भी बहुत लोकप्रिय हुए थे। इस तस्वीर में नाविक वास्तव में एक नाविक है, लेकिन वो एक ब्रिटिश नाविक है। उनका नाम इतिहास में खो गया था, लेकिन इंपीरियल वॉर म्यूजियम में उन्हें अ लीडिंग स्टॉकर उपनाम पोपाई के रूप में सूचीबद्ध किया था। बाद में जानकारी प्राप्त की और पाया वो 1940 में HMS रॉडनी में सेवा के लिए लड़ रहे थे और उनका नाम रॉकी फीगल बताया गया। उनका जन्म 27 जनवरी 1868 को हुआ था। वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और पोपाई की ही तरह बिना दांतों वाले और मुंह में एक पाइप थामे थे, मानो कार्टून कैरेक्टर असल जिंदगी में आ पहुंचा हो, जिसके बाद 24 मार्च 1947 में उनका निधन हो गया था। पोपाई की फिल्म पर पहली बार 1933 में बेटी बूप पैरामाउंट कार्टून में पोपाई को नाविक कहा गया था। पैरामाउंट पोपाई कार्टून इतने लोकप्रिय थे कि 1937 में क्रिस्टल सिटी टेक्सास शहर में एक आधिकारिक तौर पर पोपाई प्रतिमा बनाई थी, जिसने विश्व इतिहास में पहली बार एक शहर को एक कार्टून चरित्र के सम्मान में परिभाषित किया था। पोपाई के हर एपिसोड में पालक को खाने का दृश्य आता है जिसमें उसकी ताकत बढ़ जाती है और हर मुश्किल काम को आसान बना देता है, जिसके बाद साल 1931 से 1936 के मध्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पालक उद्योग की खपत में लगभग 35% की वृद्धि हुई थी, जिसका श्रेय पोपाई और क्रिसलर सेगर को दिया था। जिसके बाद 13 अक्टूबर 1938 में एलजी क्रिसलर सेगर की 43 साल की उम्र में ल्यूकीमिया और लीवर की बीमारी से निधन हो गया था। 1970 के दौरान क्रिसलर सेगर को सम्मानित करने के लिए 6 फीट लंबी और 400 किलो की तांबे की प्रतिमा को यूनाइटेड स्टेट्स के चेस्टर शहर में बनाया गया, जो कि क्रिसलर सेगर की जन्मभूमि थी। दोस्तों, इस महान आदमी के लिए दिल से एक लाइक तो जरूर बनता है। 1980 के दौर में नए प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई और CBS चैनल पर सभी नए लोकप्रिय शो दौड़ पड़े थे। हैना बारबेरा ने द ऑल न्यू पोपाई आवर को रिलीज किया था, जो 60 मिनट के एपिसोड की एक कार्टून श्रृंखला थी और CBS संडे मॉर्निंग में लाइनअप के हिस्से के रूप में प्रसारित होती थी। 1981 में शो को 30 मिनट के छोटे एपिसोड में काट दिया गया और द पोपाई और ऑलिव शो का शीर्षक दिया गया, जो 1983 तक CBS चैनल पर चला था, जिसके बाद साल दर साल नए एपिसोड बनते गए और सभी हिट होते गए। दोस्तों, आप कौन से कार्टून सीरीज देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोपाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की रोशनी लेने वाला पहला ब्रांड बन गया था। पोपाई की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 से 18 जनवरी में टावर को हरे रंग की झलक मिली थी। 2003 में पोपाई द्वारा पेप्सी का विज्ञापन दिया गया, जिसमें पोपाई के शब्द बहुत ही ज्यादा पसंद किए गए थे। 8 दिसंबर 2010 को पोपाई के निर्माता क्रिसलर सेगर के जन्मदिन के सम्मान में गूगल डूडल के रूप में चित्रित किया था। कलाकार जेफ कॉन्स ने पारदर्शी रंग कोटिंग के साथ दर्पण पॉलिश स्टेनलेस स्टील में पोपाई की समानता में एक प्रतिमा बनाई थी, जो 2014 में नीलामी में $28 मिलियन में स्टीव विन को बेची गई थी। आज पोपाई और उसकी कैन ऑफ पालक लास वेगास के द विन होटल में है, जिसके बाद पोपाई ने खुद के कलेक्शन निकाले, फ्लिप फ्लॉप स्टाइल जैकेट्स आदि। आज यूट्यूब पर पोपाई एंड फ्रेंड्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।